His name is Ronald Reed. He passed away in 2015. But before that, he used to work for this company called JCPenney as a janitor. Janitor means jo apna office off karte hai na, unko janitor bolte hai. He used to make around $50 per week. When he passed away, his net worth was $8 million. 15,000 या 12 से 15,000 कमाने वाला एक आदमी 48 crores net worth तक कैसे पहुंचा है, ये चीज हम जानेंगे आज. This story is not about that guy. It is about us. We also have that kind of dream to reach this money we want to have in the bank account. I don't know about you, but at least I have that dream. I've tried so many side hustles. I started businesses. I did MLM. I did dropshipping. जो बोलो वो सब मैं कर चुका हूँ, मगर पता चला है उससे कोई फायदा नहीं है. There is no point. So I even invested in stocks also, crypto also. और बहुत पैसा गया मगर पैसा कभी कमाया नहीं. उसके बाद मैं सोचा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है. देन वॉट आई डिड इज आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. एंड द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रीड्स इज फ्रॉम वन ऑफ द बुक्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. दैट्स द बुक नेम. एक्सलेंट बुक, सबको पढ़ना चाहिए. सो From all my experiences, I understood one thing. जिंदगी में कभी लोन नहीं लेना चाहिए. लोन एक बहुत बड़ी पाप चीज़ है. ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है लोग तीन रीजन्स के लिए लोन लेते हैं. एक तो सबसे पहला कुछ खरीदना है हमको, इसीलिए EMI पे ले लेते हैं, क्योंकि सैलरी महीना महीना आएगा, थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे, इसीलिए लेते हैं. सेकेंड रीज़न ये है कि कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ देना पड़ा तो कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली लोन पे लेना ही पड़ेगा, राइट. और तीसरा चीज़ ये है, पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करके लूट जाते हैं, राइट. ये तीन रीज़न है. मैं तीसरा कैटेगरी का हूँ, बहुत पैसा कमाने के चक्कर में बहुत गंवा दिया. ठीक है, वो तो ठीक है. मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ क्यों मेरे साथ मैंने लोन लेने लगा. क्योंकि हम सबके साथ हुआ ही होगा, मेरे साथ भी हुआ है. पता नहीं अगर रेजोनेट करते हो ये चीज़ को तो कमेंट पे लिखना. बचपन में मुझे ना शूज़ की बहुत शौक थी और ब्लेजर्स की भी बहुत शौक थी. तो फिर मेरे मम्मी पापा से पूछता था कि यार मुझे वो शूज़ चाहिए, वो ब्लेज़र चाहिए, मगर वो कभी ख़रीद नहीं पाते थे बेचारे. पता नहीं बहुत सहे मुझे, और दे कुड नॉट बाय इट बिकॉज दे डिडंट हैव मनी. सो द मोमेंट आई गॉट अ जॉब एंड आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, देन आई जस्ट गॉट इन टू लोन्स, EMIs. ठीक है यार बाद में भरेंगे. इतने सारे लोन लेते इतना लोन हो गया कि अभी वो लोन भरने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है. इतना बुरा हाल हो गया था. अभी तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ. तो ऐसा होने के बाद फिर जब बुक्स पढ़ने लगा, तब जाके पता चला कि यार अगर वेल्थी बनना है, रिच बनना है, तो एक ही रास्ता है, सिंपल है बहुत ही. फर्स्ट चीज़ सेव करना है. ओके ठीक है, उससे पहले भी एक चीज़ है. फर्स्ट चीज़ लोन नहीं लेना है. सेकंड चीज़ सेव करना है. तीसरा चीज़ इन्वेस्ट करना है. देखो बिजनेस ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, वो सब मुझे लगता है कि लक पे डिपेंड है. पता नहीं, अगर मुझे तो नहीं करना आया, मैं कर नहीं पाया. मैं ऑनेस्टली मानता हूँ नहीं हो पाया मेरे से. एक ऑल्टरनेटिव क्या है, जॉब है. जॉब ना हमें बहुत ख़राब कर चुका है, क्योंकि जब जॉब में होते हो पता नहीं चलता है, हर महीना सैलरी आता है ना, पता नहीं चलता है. इसीलिए हम जो खरीदना है जो मन करे वो खरीदते रहते हैं, या जो मन करे वो करते रहते हैं. सेविंग के बारे में इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है. बिजनेस मगर एक चीज़ सिखाता है, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन रहते हैं, सबको पता है. इसके वजह से बिजनेस में ना देखते हैं कि यार पैसा ध्यान से खर्च करूं, क्योंकि कल कुछ हो गया तो फिर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा. तो वो उसका एडवांटेज अलग है. तो जो महीने महीने का जो सैलरी आ रहा है हमारे पास,
वी गॉट अ सेव दैट मनी, सेव करना चाहिए उसे और इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत ही सिंपल है यार। अगर तुम 1 लाख महीने का कमा रहे हो तो 30,000 खर्चा करो, बाकी अमाउंट सेव करो। इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो 70% हम सेव करते हैं ना, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है सेव इन्वेस्ट करने का। ये मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, लिखना मत इस ये क्या बोल रहा है इसको पता है। मेरा स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा, आपको अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट करो, लॉस हो तो मुझे पूछना मत। देखो जो 70,000 है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतना पैसा तो हम कमाते ही नहीं है, वो ठीक है छोड़ो। एग्जाम्पल के लिए 70,000 तुम्हारे पास है, अगर मेरे पास है तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 3 चीज़ों में। फर्स्ट चीज़ ये है कि लो रिस्क। कहाँ पे लो रिस्क है? जैसा बैंक का FD हो गया, RD हो गया, ये लो रिस्क है, मैं वहाँ पे डालूँगा। सेकेंड मीडियम रिस्क, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड ये मीडियम रिस्क है। म्यूचुअल फंड इसीलिए है क्योंकि वो लोग डिवाइड करके बहुत सारे स्टॉक्स में डाल देते हैं पैसा, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा मीडियम रिस्क भी आता है। मगर पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया तब वो भी गिर जाएगा। तीसरा ये है कि हाई रिस्क, वो उस कैटेगरी में मैं डालता हूँ स्टॉक्स और क्रिप्टो। इन सारे चीज़ों में मैं अपना पैसा डिवाइड करके डाल देता हूँ, सिंपल 10-10-10-10-10-10 करके डाल देता हूँ। अगर तुम पूछ रहे हो कि किस स्टॉक में डालना है, किस क्रिप्टो में डालना है, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। गूगल में जाओ, सर्च करो ब्लू चिप स्टॉक्स या टॉप 10 क्रिप्टो, और आँख बंद करके जो 10% इसके लिए निकाला है ना, उसको 10 क्रिप्टो में डिवाइड करके डाल दो। इसको बोलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। क्यों ये करना चाहिए डिवाइड करके? क्योंकि एक असेट गिर गया तो दूसरा ऊपर जाएगा, ऐसा एवरेज होता जाएगा। और एक चीज़ भूल गया, कमोडिटीज़, ऐसे ये चीज़ जो है, ये गोल्ड जैसा, वो सिल्वर, वो चीज़ें, वो भी हम, मैं तो डालता हूँ मीडियम रिस्क में, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है प्राइसिंग। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल। फिर ऐसा करते करते एक 10 साल के बाद आप अपने पास इतना फंड हो जाएगा। देखो तो रोनाल्ड रेट, वो बंदा को तो 12,000 से 15,000 तक महीने का आ रहा था, मगर हमारे पास कॉलेज पास आउट होते ही अगर अच्छा जॉब लग गया तो 1-1 लाख महीने का मिल रहा है, पैसा आ रहा है। बोल के अगर तुम उसको खर्चा करते जाओगे, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि देखो एक दिन सडनली तुम्हारा जॉब निकल गया तो रोड पे आ जाओगे। मैं भी आ जाऊंगा रोड पे, क्योंकि इतना सारा लोन तो है हमारे पास, राइट? वो लोन को निकालना पड़ेगा और फिर सेफ्टी नेट सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है सबसे पहले क्या चीज़ खरीद सकते हैं पता है? टाइम। अगर मेरे पास 10 साल की सैलरी मेरे अकाउंट में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब मैं फ्री हूँ, दिन भर बैठ के यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ या ट्रैवल कर सकता हूँ, ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। जो आइडियली अगर तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो जो नहीं कर पाते, राइट? तो रोनाल्ड रीड ने भी वही किया। वो बंदे ने भी अपना 70% सैलरी सेव करते करते आया है और बस इतना किया कि ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी का ब्लू चिप फंड्स चाहिए तो गूगल में जाओ, ब्लू चिप फंड्स इन टेक्नोलॉजी, तो क्या आएंगे? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यही सब आएंगे। तो इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि वो बड़े कंपनी है, धीरे धीरे उसका स्टॉक बढ़ता ही जाएगा। तो एक रात में मिलियनेयर कोई नहीं बन सकता है ना, राइट? हाँ, कुछ लोग बन जाते हैं, लक, उसी को लक बोलते हैं। मगर जो नहीं बन सकता है, ऐसा किसी को लक नहीं है, तो सेव करके हमारे ज़िंदगी गुजारना चाहिए ताकि आगे जाके कुछ इश्यू आए तो हम सेफ रहे। मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन आए तो लोन ले लो ऐसा नहीं हो, राइट? तो मैंने जो गलतियाँ किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग नहीं करें। अगर आप कॉलेज में है, उसके बाद कॉलेज में नहीं है, फिर अभी अभी जॉब लगी है, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है।
first thing, no loans. Second thing, always save 70% minimum. Third thing, invest your savings so that your life will be secure for your kids, future husband, wife, whomever, the family will be secure. Okay, money is very important, and it is important to know the value of it and how to utilize in a better way. Okay, I hope you got the whole essence what I am trying to say. Hope this video is helpful. Click on that subscribe button. I'll make more videos like this. अगर आज का हिंदी वाला वीडियो वर्जन अच्छा लगा तो बता देना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में बताना. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.